लो गाइस आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से। हम एक बार आए थे यहाँ पे ना पानीपत फ्लोटिंग पे आए थे, यहाँ पे बंटी ने कार फंसा दी है। अब ट्रैक्टर आया निकलवाने के लिए, अभी निकाल रहे थे, निकल नहीं रही है। अब देखते हैं कैसे निकलेगी। देखो आते जा रहा है नीचे, ये पीछे से आ गया ट्रैक्टर, बिल्कुल आगे आ गया। अब रस्सी बांधी थी एक बार तो रस्सी टूट गई है। अब दोबारा देख रहे हैं दोबारा निकलेगी या नहीं निकलेगी। बाहर से भी गाड़ी ना बिल्कुल पूरी खराब हो गई है। यहाँ से टायर देखो, टायर अंदर फंस गए हैं, इधर की साइड से भी आगे से भी चारों के चारों टायर फंस गए हैं। एंड सारी सारी धरती में गिल्ली धरती थी। बंटी ने सोचा निकल जाएगी भाई, थार है 4x4 है, बट नहीं चला काम। अब देखो दोबारा से बांध रस्सी, दो करके बांध रहे हैं, एक बार तो टूट गई है, अब डबल करके बांध रहे। देखो वो डबल कर दी, दो बार करके ट्रैक्टर के साथ बांध रहे हैं। ले गाइस गाड़ी निकालने के चक्कर में ट्रैक्टर खुद ही फंस गया है। वो देखो ट्रैक्टर के सारे दोनों पिछले टायर फंस गए। अब दूसरा ड्राइवर चेंज हुआ है, वो कह रहा है कि मैं निकाल लूंगा। अब देखते हैं ये निकाल पाएंगे अंकल या नहीं निकाल पाएंगे। दोनों टायर फंस गए ट्रैक्टर के भी। अब दोबारा कर गया स्टार्ट, ये लो देखते हैं क्या होगा। अब गाइस पीछे ट्रैक्टर आ गया है, अब पता नहीं आगे क्या कर रहे हैं, आगे से करेंगे शायद टोचन, इसका रास्ता बना दिया है। देखते हैं यार क्या कर रहे हैं। ले गाइस निकल गया गाड़ी, निकाल दी अपनी शेरा को, ले ओ भाई निकाल दी। ले भाई निकल गया गाड़ी, अब उसको कर रहा है मट्टी को सही से, फिर से दोबारा से लेंगे अंदर इसको। A few moments later. ले गाइस एक बार चेक करो, मैं साइड पे से आ गया हूं। एंड कूलर को कर देते हैं बंद। अभी देखो हमने ना स्नाइपर को और जिमी को ऊपर बांध रखा था, ये ऊपर ही थे, मतलब कि कूलर की हवा में। शाम को इनको ऊपर लेके आए थे क्योंकि घर में ना कोई गेस्ट वगैरह आए होंगे। एंड यार डॉग्स ज्यादा है तो ऊपर ही देखने पड़ते हैं एक दो को। जैकी एंड बेला नीचे है, वो दोनों नीचे होंगे। और यार एक थोड़ी सी बैड न्यूज है, वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, पहले इनको खाना दे लेते हैं। ले जिमी ये आपका खाना खा लो। स्नाइपर ये लो, स्नाइपर को मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होगी। देवी थोड़ी देर पहले इनको जल्दी से खाने देते हैं, दोनों को वॉकिंग करा के लेके आएंगे, फ्रेश वगैरह हो लेंगे। एंड यार वो बैड न्यूज है, वो आपको ना नीचे जाके बताऊंगा, क्योंकि वो बैला के लिए है, बैला के ऊपर है, मतलब कि खा लेने देते हैं। पहले इन दोनों को आराम से खा लो भाई। जैकू भी आ गया। जैकू आपको खाना नहीं मिला क्या? आपको थोड़ी देर में खाना मिलेगा भाई, अभी नहीं मिलेगा, रुको। ले गाइस चेक करो, खाना वगैरह ना दोनों डॉग्स ने खा लिया था। इनको मैं वॉकिंग के लिए लेके आया हूँ। स्नाइपर पढ़, ये वेरी गुड, बस 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 बस। देखना गाइस स्नाइपर कितनी ट्रेंड है। एंड दोनों, इसने तो टॉयलेट कर लिया है जिमी ने तो, अब स्नाइपर देखते हैं। चलो कोई नहीं, कर ले। देखो आगे डॉग्स इसके दुश्मन है स्नाइपर के, जो मैं बताता हूँ ना आपको, ये इसको बहुत ज़्यादा देखो पूरे, और स्नाइपर आराम से बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है। तो चलो गाइस मैं इनको ना एक बार वॉकिंग करा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या बात है, जो थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। यार गाइस स्नाइपर को ना मैं आज बहुत दिनों बाद मतलब कि पट्टे में लेके आया हूँ, और इसने ना बिल्कुल ऐसी तैसी करे, देखो किसी भी टाइम भागने लग जाते। देखो होगी स्टार्ट भागना, स्नाइपर रुक जा, इतना मत भाग यार, किसी भी टाइम चलते चलते फिर भागने लग जाती है, पता नहीं लगता इसका। देख देख वो भाग ली, हमको मुझे भगा रही है साथ में, और जिमी को भी रेस करा रही है, बस बस। ओ ले गाइस दोनों वॉकिंग करके आ गए, इनको पानी दे दिया, पहले जिमी पी लिया, जिमी तो अपना बैठ के पीने लग गया पानी, फिर स्नाइपर पिएगी अपना। चलो इनको पीने देते हैं, खाने पीने जो है अपना, सो जाएंगे अपना आराम से, आज ऊपर ही रहेंगे। ले गाइस मैं आ गया हूँ नीचे, एंड बताता हूँ क्या है वो प्रॉब्लम। देखो हमारी बैला ये लेटी है, और गाइस और आज भी इसकी यार वैसी हो गई है। एंड गाइस बैला को हो गया पार्वो, डॉक्टर ने बताया आज बारह लेके गया था डॉक्टर के पास, मेरा तो टाइम नहीं लग रहा था गाइस, मैं तो सुबह से बाहर ही था। और यार अभी ना इसको बोला है कि कुछ भी नहीं खिलाना है। देखो यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है हमारी बैला की। बैला ए बैला देखो गाइस आँख सी भी नहीं खुल रही ठीक से। एंड वो तो हो गया नीचे ही, देखो घुमड़ी वगैरह तो जो थी ना वो तो ठीक हो गया, फिर भी पहले इनमें पानी पानी सा था, उसका तो इसका हो गया। बट अब पार्वो हो गया मैडम जी को, इसको ना ही पानी पिलाना है ना ही खाना खिलाना है, बस डेली डेली इसको ड्रिप लगा करेंगी। एंड इसमें से ना थोड़ी थोड़ी स्मेल सी भी आने लग गई है, इसलिए इसको ना सारे डॉग से अलग रखना है, इसीलिए हमने और ये क्या रखा। देखो गाइस दवाई की वजह से, गर्म दवाइयों की वजह से शायद। एंड गाइस हमने ना ऊपर स्नाइपर और हमारी जिमी को ऊपर इसीलिए रखा है क्योंकि बैला को पार्वो हो गया है। एंड डॉक्टर ने साफ मना किया है कि इसके पास उन डॉग्स को नहीं रखना, नहीं तो उनको भी हो सकता है और इसको और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें यार इनमें तो मतलब लड़ने की शक्ति कम होती है इनकी बॉडी में। और यार मतलब हाथ भी अलग सा चिपचिपा सा ही हो गया, मैं एक बार हाथ भी वॉश करूंगा अभी। और गाइस हमारे साथ तो पता नहीं हो क्या रहा है, पहले तो हमारी जिमी को था पार, वो स्नाइपर को तो हुआ नहीं, जैकी को भी नहीं, बट हमारी छोटी सी बच्ची को हो गया है। उनको तो फिर भी यार वो संभाल लेते हैं, उनके बड़े हैं वो, बट इसमें यार छोटी सी है, ये क्या क्या करेगी, किस किस इन्फेक्शन से लड़ेगी, गर्मी भी हो रखी इतनी ज़्यादा। एंड गाइस इसके शरीर में भी गर्मी होगी थी, अब इसके टीज एंड फ्लीज का भी लगाया था, और अब इसको पार्वो हो गया बेचारी छोटी सी को। बस भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए, जैसे हमारे जिमी ठीक हो गया ना वैसे ये भी ठीक हो जाए।
एंड गाइस इसको ना भी बिल्कुल अलग रखना है सब डॉग से, ये इसीलिए यहीं पे रहेगी। देखो बेचारी हिलती भी नहीं है ज़्यादा, ऐसी लेटी है ना तो लेटी की लेटी रहेगी यहीं पे, बस इधर से उधर अपना करवट चेंज करेगी, ये ऐसी लेटी रहेगी यार। बस पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, चलो दुआ करते हैं जल्दी से ठीक हो जाए। चेक करो आज नेक्स्ट डे, एंड ना सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी, थोड़ा थोड़ा गिल्ला हो गया, ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी आई थी। एंड हमारी देखो बैला तो है खाट के नीचे और ही वो बैठी है, स्नाइपर एंड जिमी को ऊपर बांध रखा है क्योंकि इससे दूर रखना आप सबको पता ही है। एंड गाइस अब मैं ना हो गया अपना मंदिर में जाता हूँ, एंड आज के व्लॉग को भी यहीं पे कर रहे हैं। ओके गाइस कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, एंड थोड़ी देर में मैं चेक करूँगा वन डे में से बच्चे निकले या नहीं निकले हैं। ओके गाइस बाय, कल मिलते हैं।